रामलला का आह्वान करेंगे राम भक्त। मंदिर के निर्माण से पहले आह्वान करेंगे, आज से शुरू होगा 9 दिवसीय राम नाम जाप का आयोजन। बड़ी संख्या में संत धर्माचार्यों के साथ अयोध्या पहुंचे राम भक्त। तो सरयू तट स्थित फटिकशिला मंदिर में आयोजन होगा राम नाम जाप के पहले अयोध्या में निकाली गई शोभा यात्रा। तो ये बड़ी खबर अयोध्या से आपको दे रहे हैं, जहां पर राम भक्त अब राम नाम का आह्वान करते नजर आएंगे। राम नाम जाप के पहले अयोध्या में शोभा यात्रा भी निकाली गई और 9 दिन तक ये जाप चलेगा। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको दे रहे, रामलला का आह्वान करेंगे राम भक्त। मंदिर के निर्माण से पहले ये आह्वान करने का आयोजन आज से शुरू होने जा रहा है, 9 दिवसीय राम नाम का जाप आयोजन। तो बड़ी संख्या में संत धर्माचार्यों के साथ अयोध्या राम भक्त पहुंच चुके हैं। सरयू तट स्थित फटिकशिला मंदिर में इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। तो राम नाम जाप के पहले अयोध्या में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो राम लला का जो आह्वान है वो राम भक्त करते नजर आ रहे हैं, जहां पहले आपको बता दें कि इस आयोजन से पहले शोभा यात्रा बकायदा निकाली गई और 9 दिन अब जो है राम नाम का जाप करते हुए राम भक्त और धर्माचार्य नजर आएंगे। तो सरयू तट स्थित फटिकशिला मंदिर में आयोजन। संवाददाता सत्यप्रकाश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अब राम लला का आह्वान करते नजर आएंगे राम भक्त। जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से राम मंदिर निर्माण को लेकर समय नजदीक आ गया, तो वहीं अब राम भक्त भी एकजुट हो रहे हैं। बड़ी संख्या में इस वक्त अयोध्या के सरयू तट पर राम भक्त पहुंच चुके हैं, जहां राम नाम जप करके श्री रामलला का आह्वान करेंगे। इसके और यह पूरा आयोजन फटिकशिला आश्रम में एक महंत सुखदेव दास के नेतृत्व में किया जा रहा है। और इसके पहले बड़ी संख्या में एक शोभा यात्रा निकाली गई है, जो सड़कों मुख्य प्रमुख मार्गों से होते हुए सरयू तट तक पहुंचा है, जहां पर इसकी समाप्ति हुई है। अब थोड़ी देर में भी शुरू होने वाला है राम नाम जब, लोग जो कि लगातार 9 दिनों तक ही चलेगा यह आयोजन। और उसके बाद फिर एक बृहद रूप देखने को मिला है। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि 23 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर होंगे, तो उस कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं, ये भी सुनने में साफ आ रहा है। लेकिन अभी तो बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं, अभी और भी कई स्थानों से राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं। अभी लगभग माना जा रहा है कि 1 लाख से अधिक संख्या में हो सकते हैं, लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन जो आज जो संख्या है, कम से कम कई हजार आदमी यहाँ अयोध्या में पहुंच चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर राम भक्तों की बात करें, जिस तरह से बड़ी संख्या अयोध्या पहुंचे हैं, उनमें कितना उत्साह नजर आ रहा है और आयोजन को लेकर किस तरह की तैयारी सत्य प्रकाश? जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से पूर्व में राम मंदिर को लेकर पक्ष में फैसला आया और राम मंदिर का ट्रस्ट का गठन होने के बाद अब राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ राम भक्तों के बीच एक उत्साह काफी है। इसी को लेकर जो है राम नाम जप कर रहे हैं और एक बड़े उत्साह के साथ राम जप के लिए लोग स्वतः। चलिए सत्यप्रकाश, फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए।